तो आप लोग मेरे को लैपटॉप या फिर पीसी के सामने कई घंटे तक बैठे रहते हो और आप लोग सामने बैठकर वीडियो एडिटिंग करते हो, तो आप लोग पता है आपकी आईज पर काफी ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट जाता है। एंड आपने नोटिस करोगे आप लोग पिछले 6-7 महीने से लगातार वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और आप लोग ऑलमोस्ट 6-7 घंटे दे रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपकी आंखों में से पानी आने लगता है। पानी आने के साथ साथ आपकी आंखों के नीचे काफी सारे डार्क सर्कल हो गए और डार्क सर्कल्स के साथ साथ आप लोग की आंखें भी अंदर जा रही है, जिससे ऑलमोस्ट आपका चेहरा बेकार दिखता है। तो मैंने सोचा इसका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वरना तो देखो फिर वीडियो एडिटिंग ही छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा वीडियो एडिटिंग तो नहीं छोड़ सकते, इसका सॉल्यूशन लाता है। तो मैंने सॉल्यूशन के लिए सोचा कि आखिर क्या है। मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब पर कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने दिमाग लगा कि जो मॉनिटर लाइट आती है ना, वो किस चीज के लिए आती है? आखिर वो इस ही चीज के लिए तो आती है। तो मैंने सोचा कि मॉनिटर लाइट बनाता है। तो देखो वो कम से कम 3,500-4,000 की थी, मैंने उसको परचेस नहीं किया, मैंने यू ही एक छोटा सा जुगाड़ लगा लिया जिससे मेरा काम हो गया। बट देखो तुम्हारी भी आंखों में प्रेशर आ रहा है ना, तुम्हारी आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तुम लोग वीडियो एडिटिंग करते हो और वहां पर लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो तुम लोग एक चीज करो भाई, सबसे पहले कहना चाहूंगा मॉनिटर लाइट लो, क्योंकि देखो तुम्हारी आंखें ज्यादा जरूरी है। मैं यही कहूंगा उस वीडियो एडिटिंग से भी, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई आंखें नहीं रहेगी तो कैसे फिर तुम देख पाओगे, क्योंकि देखो 6-7 महीने में ही हमारी आंखों से पानी आने लगता है, आंखें अंदर जाने लगती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म में फिर क्या इफेक्ट होगा, इसको सुधारना तो हम लोगों को पड़ेगा ना। तो देखो इसीलिए आप सभी लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, तुम लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हो डेस्कटॉप पर या फिर कोई भी काम कर रहे हो अपने पीसी लैपटॉप पर, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम लोग देखो एक मॉनिटर लाइट जरूर परचेस कर लेना। मैं देखो एक बेस्ट मॉनिटर लाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आप लोग 2,500-3,000 के बीच में मिल जाएगी और ऑलमोस्ट आप लोग एक बढ़िया आउटपुट देगी। आप लोग नेक्स्ट टाइम से जब भी अपने 6-7 घंटे लगातार दे रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, तो एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग एक मॉनिटर लाइट जरूर यूज करो। मॉनिटर लाइट लेने के फायदे ये कि आपकी आंखों पर स्ट्रेस आना कम हो जाता है। आप लोग जब देखो डिस्प्ले के सामने बैठोगे ना, तो आपकी आंखों पर कम स्ट्रेस आएगा। इसका रीजन ये कि डायरेक्ट आप लोग की आंखों पर भी अब लाइट रहेगा, जिससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, डायरेक्ट जो डिस्प्ले की लाइट आ रही है वो डायरेक्ट आंखों पर आ रही है, इससे आप लोग की आंखों का ये वाला हिस्सा ऑलमोस्ट देखिए काफी खराब दिखने लगता है। और फिर देखो जैसे जैसे आप लोग ज्यादा समय तक ऐसे आप लोग बिना कोई प्रोटेक्शन को यूज किए एडिटिंग करते जाओगे ना, देखो आप लोगों को लंबे समय में आप लोगों को हर पल आंसू आने लगेंगे आप लोग की आंखों से, आपकी एक आंख छोटी होने लगेगी, ऑलमोस्ट ये साइड इफेक्ट होंगे। तो देखो आप लोगों को सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप लोग ब्लू रे ग्लासेस प्रीफर करना आप लोग जरूर यूज किया करो। मॉनिटर लाइट यूज नहीं कर रहे हो तो, और आप लोग ऐसा मॉनिटर लाइट यूज करो तो आप लोगों को फिर ग्लासेस भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक काफी बढ़िया फायदा आप लोगों को देती है मॉनिटर लाइट से, देखिए आप लोग की आंखों पर स्ट्रेस कम आता है। इसके साथ साथ आप लोग एडिटिंग करने बैठोगे तो आप लोगों को एग्जॉस्ट फील नहीं होगा, इससे आप लोग एक अलग सी ही वाइब आएगी। आप लोग बिना मॉनिटर लाइट के वीडियो एडिटिंग करने जाओगे तो आप लोग चीज नोटिस करना, आपको नींद आने लगेगी। मॉनिटर लाइट से ये भी नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज तो ये आप लोग की आंखों को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि देखो मैंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च करी, मुझे इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं मिल रहा कि आंखों को और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए डायरेक्टली यहाँ पर स्क्रीन की लाइट से, जो डिजिटल स्क्रीन रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये हो सकता है। तो मैंने सोचा कि देखो पूरे यूट्यूब पर जब ये वीडियो नहीं है तो क्यों ना ये बनाया जाए और आप लोगों को भी अवेयर किया जाए कि आप लोग ऐसे अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो एडिटर हो तो ही नहीं, आप लोग यूजुअली कोई भी काम करते हो पूरे दिन अपने पीसी लैपटॉप पर, तो आप लोग इस तरीके को अपना सकते हो। तो आप लोग एक मॉनिटर लाइट ले सकते हो, जिससे ऑलमोस्ट आप लोग की आंखें सेफ रहे।